हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान टू कलर पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही सुंदर हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कलर देखिए, यहाँ पर येलो कलर है, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड कलर मेरा यहाँ पे व्हाइट है, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने फर्स्ट कलर से बॉर्डर के लिए फंदे डाल लेने हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, फिर कोई सा भी बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने बेस के लिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरीके का बॉर्डर डाला है। आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बॉर्डर डालने के बाद देखिए, जो फर्स्ट रो आएगी, हमारा फर्स्ट कलर ही आएगा फर्स्ट रो में, तो देखिए फर्स्ट रो को पहला फंदा उतार लेंगे, ये पहला फंदा उतारा। फिर देखिए, धागे को ऐसे फोल्ड करके आगे करेंगे। अब देखिए, जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे से हम ऐसे पकड़ेंगे धागे को, और देखिए यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे बुने, और पीछे के सिरे को ऐसे बैक साइड की तरफ से खींच लेंगे, ये देखिए। फिर देखिए, ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ऐसे धागे को फोल्ड करके आगे करेंगे। अब जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे को पकड़ेंगे, और ये देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, और देखिए ऐसे पीछे वाला सिरा खींच लेंगे, ये देखिए, और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, ये देखिए। पहला फंदा छोड़ के ये देखिए, ये पांच फंदों में हमारा पैटर्न आ गया, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, सेम प्रोसेस आगे रिपीट करेंगे। तो देखिए, धागे को ऐसे डबल करके आगे लेंगे, और जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे को पकड़ेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे उल्टे बुन दिए। अब ऐसे देखिए, बैक साइड की तरफ से ये धागा ऐसे खींच लेंगे। फिर नेक्स्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ये देखिए, धागे को फोल्ड करके आगे करेंगे, और देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए, बैक साइड की तरफ से हम धागे को ऐसे खींच लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, ये पांच फंदों में हमारा पैटर्न आ गया। फिर सेम प्रोसेस आगे रिपीट करेंगे और फ्रंट साइड से अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइड से हमने सेकंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बैक साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमारा सेकंड कलर आएगा, तो देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे उल्टे बुने। फिर देखिए, बैक साइड से इस धागे के सिरे को खींच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, नेक्स्ट हमने सेकंड कलर को ऐड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड कलर व्हाइट है, तो देखिए इस तरीके से हम सेकंड कलर को ऐड कर लेंगे, ये देखिए, तीन फंदे ऐसे हम सेकंड कलर से बुन लेंगे। तो ये तीन फंदे हमने सीधे बुन दिए, ये देखिए। फिर देखिए, फर्स्ट कलर को ऐसे फोल्ड करके आगे करेंगे, और देखिए दो फंदे हमने ऐसे उल्टे बुन लेने हैं, ये देखिए,
फिर देखिए बैक साइड से धागे के दूसरे सिरे को ऐसे खींच लेंगे, फिर धागा पीछे ही रहने देंगे और देखिए सेकंड कलर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे। फिर देखिए फर्स्ट कलर से हमने दो फंदे बुनने हैं, तो देखिए फर्स्ट कलर को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे, जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे से हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। फिर देखिए दूसरे सिरे को ऐसे पीछे से खींच लेंगे, फिर नेक्स्ट हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं सेकंड कलर से, ये देखिए ऐसे। फिर फर्स्ट कलर से बुनेंगे, तो देखिए फर्स्ट कलर को ऐसे फोल्ड करके आगे लाएंगे, दो फंदे ऐसे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागे के दूसरे सिरे को ऐसे खींच लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो, अब फोर्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे ऐसे उल्टे बुन लेंगे फर्स्ट कलर से। अब नेक्स्ट हमने तीन फंदे सेकंड कलर से बुनने हैं और डबल रोल करके बुन लेने हैं। तो देखिए ये सेकंड कलर से तीन फंदे बुनेंगे, उल्टे बुनने हैं तीनों फंदे और डबल रोल करके बुन लेने, तो एक हो गया। फिर देखिए ये नेक्स्ट फंदा भी हमने डबल रोल करके बुनना है, दो। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा भी डबल रोल करके बुनेंगे, तो ये देखिए तीन, तीन फंदे हमने सेकंड कलर से बुने और तीनों फंदों को हमने डबल रोल करके बुना। फिर देखिए नेक्स्ट हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं और फर्स्ट कलर से बुन लेने, एक और दो। फिर देखिए नेक्स्ट हम तीन फंदे सेकंड कलर से बुनेंगे और तीनों फंदों को हम डबल रोल करके बुनेंगे, तो देखिए ऐसे इस तरीके से हम डबल रोल कर लेंगे, ये देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे उल्टे बुनेंगे फर्स्ट कलर से, फिर तीन फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और डबल रोल करके बुनने, तो देखिए ये इस तरीके से एक हो गया। फिर देखिए ये दो और ये तीन, ये तीनों फंदे हमने डबल रोल करके बुने। फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फर्स्ट कलर से बुनेंगे, फिर लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो, अब फिफ्थ रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, फिर देखिए ऐसे धागे को डबल करके आगे लाएंगे, फिर देखिए दो फंदे उल्टे बुन लेंगे और देखिए बैक साइड से धागे के दूसरे सिरे को ऐसे खींच लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट तीन फंदों में पैटर्न आएगा, तो इन तीनों फंदों को हम ऐसे सिंगल कर लेंगे, एक दो और तीन, ये तीनों फंदों को हमने सिंगल किया ऐसे और फिर इनको लेफ्ट नीडल में शिफ्ट कर लेंगे। अब धागा आगे करेंगे सेकंड कलर वाला इस तरीके से, और देखिए इन तीनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है और तीन फंदे बना लेने, तो देखिए एक हो गया। धागा पीछे करेंगे, फिर इन तीनों फंदों को सीधी साइड से बुनेंगे, ये दो हो गया। फिर धागा ऐसे आगे करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, तो ये देखिए तीन फंदे हो गए, ये तीन फंदों से हमने तीन फंदे बनाए। फिर हम धागा ऐसे पीछे कर लेंगे, अब हमें फर्स्ट कलर से बुनना है, तो फर्स्ट कलर को ऐसे फोल्ड करके आगे करेंगे, ये देखिए। अब जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे से हम यहाँ पे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर धागे को ऐसे पीछे खींच लेंगे, ये देखिए। फिर हमारा सेकंड कलर आ जाएगा नेक्स्ट, तो इन तीन फंदों को हम ऐसे सिंगल करेंगे, ये देखिए तीनों फंदों को सिंगल किया, फिर इनको लेफ्ट नीडल में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और धागा आगे करेंगे सेकंड कलर। फिर इन तीनों फंदों को ये देखिए एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे, एक हो गया। धागा पीछे करेंगे, फिर इन तीन फंदों को बुनेंगे, ये दो, और फिर इन तीन फंदों को धागा अपनी साइड करेंगे और इन तीन फंदों को बुन लेंगे, तो ये देखिए तीन। फिर धागा पीछे कर लेंगे और फर्स्ट कलर को ऐसे फोल्ड करके आगे करेंगे, फिर देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और
दो, ये दो फंदे फर्स्ट कलर से बुने, फिर देखिए ये धागा ऐसे पीछे खींच लेंगे, ये देखिए। अब देखिए सेकंड कलर को ऐसे आगे कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए जो सेकंड कलर वाले फंदे हैं इनको हमें सिंगल करना है, एक दो तीन, फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनना है और तीन फंदे बना लेने, एक धागा पीछे दो, धागा आगे तीन, फिर धागा पीछे कर लेंगे और फर्स्ट कलर को फोल्ड करके आगे करेंगे और देखिए दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, एक दो, ये दो फंदे उल्टे, फिर धागे का ऐसे देखिए पीछे वाला सिरा खींच लेंगे, ये देखिए, और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। अब सिक्स रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अब देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे फर्स्ट कलर से, ये दो फंदे हमने फर्स्ट कलर से बुनने हैं, फिर तीन फंदे हमने सेकंड कलर से बुन लेने हैं और तीनों फंदे उल्टे आएंगे, ये देखिए, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे फर्स्ट कलर से, एक दो, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे सेकंड कलर से, एक दो तीन, फिर देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये ऐसे फर्स्ट कलर से, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे सेकंड कलर से, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे फर्स्ट कलर से और लास्ट का फंदा भी उल्टा बुनेंगे फर्स्ट कलर से। तो देखिए बैक साइड से हमारी सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागे को ऐसे फोल्ड करके आगे करेंगे, अब जिस सिरे से हम बुनाई कर रहे हैं उस सिरे से बुनाई करेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये देखिए, फिर धागा देखिए ऐसे पीछे खींच लेंगे, फिर हमने नेक्स्ट धागे को ऐसे पलटा के डबल करके आगे लाना है, फिर देखिए ऐसे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं इस तरीके से, और फिर देखिए धागे का पीछे वाला सिरा ऐसे खींच लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, ये एक फंदा सीधा आ गया। फिर देखिए धागे को देखिए फर्स्ट कलर को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे और देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर धागे के दूसरे सिरे को ऐसे पीछे खींच लेंगे, फिर धागे को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे फर्स्ट कलर को ही और देखिए ऐसे दो फंदे उल्टे बुन लेने, फिर धागे के पीछे वाला सिरा ऐसे खींच लेंगे, ये देखिए, और देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये एक फंदा सीधा आ गया, ये देखिए। फिर देखिए धागे को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे उल्टे बुन दिए, फिर धागा ऐसे पीछे खींचेंगे, फिर धागे को देखिए ऐसे डबल करके आगे लाएंगे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट तीन फंदे हैं इनमें से दो फंदे देखिए ऐसे बुन लेंगे उल्टे, ये दो फंदे उल्टे बुने और धागा ऐसे पीछे खींच लेंगे, इनमें से देखिए ये जो तीसरे नंबर का फंदा है ये सीधा आएगा, ये देखिए, फिर धागे को ऐसे डबल करके आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ऐसे खींच लेंगे और लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो। अब एट्थ रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और बैक साइड से एट्थ रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए बैक साइड से हमारी एट्थ रो कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बनके भी कंप्लीट तैयार हो चुका है। हमारा ये पैटर्न एट्थ रो का है। अब हमने यही एट्थ रो आगे रिपीट करते जाना है
और बनके देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही आसान पैटर्न है, आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक।